सोलन के रबोन में रहने वाली एक महिला पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंट से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला प्राइवेट स्कूल में कार्यरत है। पिछले एक दिन से कोई अज्ञात व्यक्ति उसका स्कूल से ही पीछा कर रहा था। गत शाम व्यक्ति द्वारा कोटला नाला से इसके क्वार्टर रबोन तक इसका पीछा किया गया। जब वह एक घंटे बाद रात को अपने कमरे से बाहर निकली तो वह आदमी उसके घर के सामने खड़ा था। इस पर महिला ने अपने पति को आवाज लगाई तो उस व्यक्ति ने उस पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे सर पर चोट आई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद महिला को पड़ोसियों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। महिला प्रियंका ठाकुर मूलतः लोजा माइनस शिलाई सिरमौर की रहने वाली है और आजकल सोलन के रबोन में अपने पति के साथ रहती है। महिला द्वारा मामले की शिकायत महिला थाना सोलन में दर्ज करवाई गई है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा कोटला नाला से लेकर महिला के घर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एएसपी शिव कुमार शर्मा का कहना है कि महिला पर हमला करने वाला व्यक्ति जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। वहीं महिला ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसका पीछा करता हुआ घर तक पहुंच गया और उस पर भारी चीज से हमला कर दिया। पीआईटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।